नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी M31s। दोस्तों आपको पता होगा, अपडेट आने के बाद वाईफाई में आपको सिक्योर वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन कई सारे लोगों में यहाँ पे सिक्योर वाईफाई का ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योर वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है गैलेक्सी स्टोर में, और जो ऐप है ये सैमसंग का ही ऐप है, एस सिक्योर। आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको यहां से ओपन नहीं करना है, आपको जाना है सीधे सेटिंग्स में, कनेक्शन में और वाईफाई में। आप यहां पर देख सकते हो, आपको यहां पर सिक्योर वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों आप जब अपने घर में होते हो, अपने घर का वाईफाई यूज़ करते हो या फिर किसी ट्रस्टेड वाईफाई नेटवर्क को यूज़ करते हो अपने फ़ोन में, तो आपको इस ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस ऑप्शन को आपको तभी यूज़ करना है जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे ओपन वाईफाई नेटवर्क यूज़ करते हो, जैसे रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट पे, बस स्टेशन में, कॉफ़ी शॉप में। तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है, ताकि आप अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो आपका जो वाईफाई है सुरक्षित रहे, आपके जो डेटा है सुरक्षित रहे, आपके जो डेटा है हैक ना हो, आपका फ़ोन हैक ना हो। और दोस्तों जो ऐप आपने डाउनलोड किया है एस सिक्योर, उस ऐप का यूज़ आप अपने ऐप्स को लॉक करने के लिए भी कर सकते हो। तो जैसे आप सेटिंग्स में जाते हो, यहाँ पर आपको जाना है एडवांस फीचर में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉक एंड मास्क ऐप्स। तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है, फिर आपको यहाँ पे पिन या पैटर्न या पासवर्ड दे देना है, और फिर आपका पिन या पासवर्ड कंफर्म करने के बाद फिर आप यहाँ पे ऐप लॉक टाइप में यहाँ पे फेस और फिंगरप्रिंट भी दे सकते हो, और आपको कौन कौन से जो ऐप है उन्हें लॉक करना है, आप यहाँ से उन्हें ऐड करके जो ऐप से उन्हें आप लॉक भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने ऐप्स को लॉक कर सकते हो। जैसे क्रोम को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया, तो जब क्रोम को मैं ओपन करूँगा तो पासवर्ड या फेस या फिंगरप्रिंट से आपको इसे अनलॉक करना पड़ेगा, लेकिन जब आप दूसरी बार इसे ओपन करोगे तो बिना पासवर्ड के ये ओपन हो जाएगा, तो आपको लॉक करना पड़ता है। लॉक करने के बाद जो ऐप लॉक है वो काम करता है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन जब आप वापस इसे ओपन करोगे तो बिना पासवर्ड के ओपन हो जाता है। इसलिए ये लिमिटेशन है, एक बेसिक ऐप लॉक है ये। अगर आपको यूज़ करना है तो आप ऐप लॉक यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ आपको वाईफाई सिक्योर का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वाईफाई सिक्योर का यूज़ कर सकते हो। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।